इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड एग्जैक्टली सेम डिबेंचर्स में भी आएगा। तो अभी अच्छे से समझ लेंगे तो आप अपने डिबेंचर्स का 15% काम खत्म कर देंगे। 15% कम नहीं होता, सेम कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली है क्या। शेयर्स इशू करे, शेयर्स इशू करने का क्या रीजन हो सकता है, मुझे पैसे चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो वो था इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। आपको पैसे चाहिए, आपने शेयर्स इशू करे। अब इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मैंने किसी से मशीन खरीदी, कोई एसेट खरीदा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कोई भी एसेट खरीदा, एसेट की पेमेंट करनी थी। मैंने कहा यार कि पैसों की जगह ना मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स देने के लिए तैयार हूं, तो दूसरा बंदा अगर मानेगा ये तो ही होगी ये ट्रांजैक्शन। वो कहेगा ओके नो प्रॉब्लम। तो मैंने किसी से एसेट खरीदा, एसेट जब खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। किसी से भी एसेट खरीदते हैं तो एसेट के लिए वेंडर आता है, गुड्स के लिए क्रेडिटर्स आता है, एसेट के लिए वेंडर, और सप्लायर वर्ड, क्रेडिटर्स वर्ड, ये सब गुड्स के लिए, यहाँ पे वेंडर, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। अब अगर मैंने वेंडर को पैसे दिए तो एंट्री होती है वेंडर टू कैश या बैंक, नॉर्मली एंट्रीज बैंक के थ्रू होती हैं। पैसे नहीं दिए, पैसों की जगह मैं उसको क्या दे रहा हूँ, अपनी कंपनी के शेयर्स, तो शेयर्स दिए, एंट्री हुई वेंडर डेबिटेड टू। इक्विटी शेयर्स दिए तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स दिए तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो मैंने अगर किसी से एसेट खरीदा तो पेमेंट के टाइम मैं उसको पैसों की जगह क्या दे सकता हूँ, अपनी कंपनी के शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की मतलब कैश के अलावा कोई और मुझे किसी की सेटलमेंट करनी थी पेमेंट की, तो मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए पैसों की जगह। मैंने किसी से कोई एसेट एक्वायर करा, वहां पे खरीदा, वो यूज हो सकता है। मैंने किसी का बिजनेस टेक ओवर करा, मैंने किसी का बिजनेस टेक ओवर करा तो कंपनी शेयर्स में पेमेंट कर सकती है, कंपनी शेयर्स में पेमेंट कर सकती है। तो हम एक सीखेंगे एसेट परचेज, एक सीखेंगे बिजनेस टेकन ओवर, एक होगा अंडर राइटर्स को मुझे कमीशन देनी थी, शेयर्स की जगह कैश की जगह मैंने उनको कंपनी के शेयर्स दे दिए। प्रमोटर्स को पेमेंट करनी थी, प्रमोटर्स को पैसों की जगह मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए। तो हमारे कोर्स में चार चीजें हैं, एक इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेजिंग एन एसेट, दूसरा इशू ऑफ शेयर्स फॉर टेकिंग ओवर अ बिजनेस, बिजनेस टेकन ओवर, एक इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स और एक इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। एक एक करके बात करेंगे चारों केसेस की। तो पहला, अगर हमने क्या करा, एसेट परचेज करा, ध्यान से देखेंगे एसेट परचेज करा, एक एक करके बात करते हैं। तो एसेट खरीदा, बिजनेस टेकन ओवर, तो अलग केसेस हैं। पहले हम कौन सा टेक ओवर कर रहे हैं, केस व्हेन एसेट इज परचेज, व्हेन एन एसेट इज परचेज। तो जब हम एसेट खरीद रहे हैं तो एसेट खरीदने के टाइम जर्नल एंट्री क्या होगी अक्षता? एसेट टू वेंडर करेक्ट, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट। तो एंट्री हो जाएगी जो भी एसेट है, फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, मशीन है तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। आपने एसेट खरीदा तो एसेट अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका एक एसेट क्रिएट हो रहा है, तो एसेट्स बढ़े तो जो भी एसेट बढ़ा वो हो गया। वेंडर क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइबिलिटी टुवर्ड्स द वेंडर बढ़ रही है। इस एंट्री में किसी को कोई डाउट? अब ध्यान से देखेंगे, अब मुझे उसकी करनी है सेटलमेंट, मुझे उसके पैसे देने हैं, तो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट, एसेट टू वेंडर। एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी टूवर्ड्स द वेंडर, एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी टूवर्ड्स द वेंडर।
अब मैंने उसके पैसे देने हैं, तो जब पैसे देंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगी? अगर पैसे दे रहे हैं तो क्या एंट्री होगी? हमें बताएगा अनुज। अनुज, मैंने वेंडर की पेमेंट करी, जर्नल एंट्री क्या होगी? करेक्ट। वेंडर टू कैश और बैंक। तो वेंडर डेबिटेड कंपनीज के केस में बेटर रहेगा, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो आप बैंक अकाउंट करें। अगर पैसे दिए, अगर इक्विटी शेयर्स दिए तो क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल, आपकी कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गई और वेंडर की लायबिलिटी टुवर्ड्स द वेंडर जो लायबिलिटी थी वो खत्म हो गई। मैंने आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए पैसों की जगह, तो एंट्री हुई वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स दिए होंगे तो वेंडर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब सबसे मजेदार पॉइंट क्या है? दीज शेयर्स मे बी इशूड एट अ प्रीमियम। अब ध्यान से देखना, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है। वेंडर डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी लाइबिलिटी टूवर्ड्स द वेंडर बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है, तो वेंडर खत्म। अब मैंने उसको अगर पैसे दिए तो बैंक अकाउंट, अगर मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करे तो कंपनी की कैपिटल बढ़ गई, लाइबिलिटी इंटरनल लाइबिलिटी बढ़ गई, सेम इसमें भी लाइबिलिटी बढ़ गई। सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी का प्रॉफिट होता है, कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, रेवेन्यू बढ़ गया, सेपरेट अकाउंट में जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक, ये अकाउंट आएगा ही कब? ये अकाउंट आएगा ही कब? इफ द शेयर्स, इफ द शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम, इफ द शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इजी रहने देंगे। दो ही स्टेप्स हैं, एक एसेट खरीदा, दूसरा लाइबिलिटी टुवर्ड्स द वेंडर सेटल हुई। जर्नल एंट्री चेंज नहीं होगी, मतलब जितना यूज है उतना ही होगा, कि बैंक है तो बैंक आएगा, इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर आएगा, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर आएगा, प्रीमियम है तो प्रीमियम भी आएगा, अमाउंट्स चेंज होते जाएंगे। तो जो हमारा दिमाग लगना है थोड़ा बहुत, वो कैलकुलेशन पे लगना है, वरना एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट सीक्वेंसिंग यही रहेगी। पहले आपने एसेट खरीदा, फिर लायबिलिटी टुवर्ड्स द वेंडर सेटल करी। एग्जाम्पल्स के थ्रू कराऊंगा मैं, ध्यान से देखेंगे।